Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to continue with the same chapter or the same poem at the zoo. So I already introduced you with what is a zoo and difficult words and their meanings. After in my previous lecture, I already taught you the explanation of this poem, and today we are going to discuss the textual questions and answers. So here, answer the following questions briefly. Wait a second, this one just make me okay. Now, what does, question 1, what does the poet want us to be careful about? Poet हमने क्या चाहता था कि हमें किस लिए केयरफुल रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी केयरफुल अबाउट वॉट टू से और डू इन अ जू, कि क्या कहना है और क्या हमें एक्शंस करने हैं जू में, इसको लेके हमें केयरफुल रहना चाहिए. Why shouldn't we make fun of the camel's hump? Question number 2. हमें क्यों कैमल के हम्प का जो है वो फन यानी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? ये ऑलरेडी हम पोम में पढ़ चुके हैं. Because he is proud of his hump. We shouldn't make fun of the camel's hump because he is very proud of it. We shouldn't make fun of the camel's hump because he is very proud of it. What does the chimpanzee thinks of himself? Chimpanzee अपने आप को क्या समझते थे? Chimpanzee, here spelling mistake from my side, here N is to be pasted. Chimpanzee thinks that he is as wise as you or me. वो human beings की तरह intelligent हैं. ये chimpanzee खुद को सोचते थे. What special quality according to the poem do penguins have? Penguins में क्या special quality थी? According to the poem, the penguins can understand the remarks we make on them. वो लोग क्या करते थे, penguins जो थी, जो भी हम remarks उन पे करते थे, वो उसको understand कर सकते थे. Next, what will happen if we treat the animals well? क्या होगा अगर हम animals को अच्छे से treat करते हैं? If we treat the animals well, they will always welcome us at the zoo. वो हमें हमेशा zoo में welcome करेंगे. ये भी हमारा जो एक आप कह सकते हो कि हमारी learning थी from the poem, कि हमें ये lesson सीखने को मिलता है. So here, B4, page number 11. The animals in the zoo prepare a poster to be put on the gate outside the zoo, but they have left some blanks in it. Write do or don't here. Write do or don't in the blanks to give the correct message. Add two instructions of your own to the list. यहाँ पे जो zoo में animals रहते हैं, उन्होंने एक poster prepare किया है. ये है poster. और इन एनिमल्स ने प्रिपेयर किया है, उसमें आपको डू और डोंट लिखना है. डू मीन्स करना, डोंट मीन्स नहीं करना, इन द ब्लैंक्स, ताकि करेक्ट मैसेज जो है वो जाए. और दो इंस्ट्रक्शंस लास्ट वाली आपको खुद से देनी है. प्लीज़ अ हार्टी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. ये ह्यूमन बींग्स को बोला जा रहा है, एनिमल्स बोल रहे हैं कि हम लोग हार्टली वेलकम करते हैं आपको हमारे दुनिया में. Please observe the following rules. Dash, take care of what you say or do to us. क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं और क्या उनके साथ एक्शन करते हैं? Yes, हाँ करना चाहिए. Do take care. Second, make fun of us. क्या ये जो यहाँ पे एनिमल्स हैं ये बोल रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ाओ? Don't, नहीं, don't, हमें नहीं करना चाहिए. So here, laugh at us. Pass bad remarks. हमें हमारे लिए bad remarks बोलिए. Treat us well. हमें अच्छे से treat करिए. ये चीज़ें जो हैं animal
इन चीज़ों में आपको इस पोस्टर में आपको लिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक मैसेज देना है टू द ह्यूमन बीइंग्स, जो भी उन्हें विजिटर्स हैं विजिट करते हैं, तो आपको ये खुद से फिल करना है कि कहाँ पे डू आएगा और कहाँ पे डोंट। यू हैव टू राइट डू एंड डोंट, सो जज बाय योर सेल्फ वेयर टू राइट डू एंड वेयर टू राइट डोंट, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द रूल्स कि क्या रूल्स होने चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, डू इट बाई योर ओन सेल्फ। हेयर यू हैव टू मेक टू इंस्ट्रक्शन बाई योर ओन सेल्फ, यहाँ पे आपको खुद से टू रूल्स फ्रेम करने हैं कि हमें और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर द वेल बींग ऑफ एनिमल्स इन द जू। हेयर B5, नोटिस द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड्स। तो स्टैंजा होता है जो पोएम में पैराग्राफ होता है, उसको हम स्टैंजा बोलते हैं, जिसे आप पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो हेयर इज स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, हेयर इज स्टैंजा 3, हेयर इज स्टैंजा 4 एंड हेयर इज स्टैंजा 5। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होती है, नॉट द स्पेलिंग बट द साउंड ऑफ द वर्ड। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, इन दोनों में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इन दो वर्सेस में जो कि सिमिलर साउंड हमें जो है वो दे रहा है। When you visit the animals at the zoo, इन दोनों में भी सिमिलर नहीं है, ना ही इन दोनों में है। तो यहाँ पे डू जू, इन स्टैंजा में ये दो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, डू जू। तो हेयर वी कैन राइट डू जू। नेक्स्ट इज हम्प। हम्प से क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्या राइम कर रहा है? डू मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, प प बम्प हम्प। तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स, तो वी हैव टू राइट हियर बम्प। डोंट लव टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर। चिंपैंजी के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे, जी मी। सो हियर दीज आर टू राइमिंग वर्ड्स, इन थर्ड स्टैंजा दीज आर द टू। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग राउंड द लेक, कैन यू अंडरस्टैंड द रिमार्क्स यू मेक, लेक मेक द सिमिलर वर्ड्स द राइमिंग वर्ड्स। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, यू जू। तो हियर दिस इज नॉट, दिस इज मी, आई हैव इट द आई हैव अ ओल्ड बुक, सो हियर इज द प्रॉब्लम विद इट, यू एंड जू, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स। Yeah, next. Here we also have to use rhyming words. B6. Suppose we add a new stanza to the poem, read the lines and fill in the blanks with rhyming words from the box below. You have to select only two words. सोचिए कि हमने एक नया स्टैंजा जो है वो पोम में ऐड करना है, हमें ये लाइंस जो हैं इनको पढ़ना है और ब्लैंक्स को फिल करना है विद राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको दिए गए हैं वर्ड्स, इनमें से ही दो राइमिंग वर्ड आपको चूज करने हैं। हेयर लाइन, तो सारे वर्ड्स को देखिए, क्या लास्ट वाली साउंड जो लाइन की है वो बाकी किसी वर्ड से सिमिलैरिटी दिखा रही है? नो 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 नो, ये नो कहीं भी और किसी वर्ड में लास्ट यूज नहीं हो रहा, तो नो लाइन नहीं होगा। टाइगर र, टाइगर र र कहीं यूज नहीं हो रहा, सो टाइगर इज नॉट द वन। क टॉक क, यहां पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इससे सिमिलर हो। टॉर्टाइज ज, noise tortoise, so here are the two similar words,
टॉर्टॉइज एंड नॉइज डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग. कौन रिलैक्स करता है? नॉइज तो रिलैक्स नहीं करती ना, सो टॉर्टॉइज रिलैक्स करता है. फॉर ही इज अ पीसफुल एनिमल एंड हेट्स अ लाउड नॉइज. ऐसे आपको जो है इनको अराइविंग वर्ड्स को डिटरमाइन करना है. इट्स फन टू एंजॉय नेचर बट यू डोंट वॉन्ट यूर फन टू स्पॉइल एन एनिमल्स हैबिटेट. फॉलो दी सिंपल रूल्स. आपको क्या करना है, आपको इंजॉय करिए नेचर को. इंजॉय करना बहुत अच्छी बात है नेचर को, लेकिन हमारी जो फन है वो क्या होना चाहिए, वो किसी, जब हम इंजॉय कर रहे हैं हमारी इंजॉयमेंट का कारण जो है वो एक जो एनिमल्स हैं उनके घर को तोड़ना नहीं होना चाहिए, या उनके घर को खराब करना, स्पॉइल करना नहीं होना चाहिए. फॉलो दी सिंपल रूल्स, हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए. एंड रूल्स क्या हैं, लीव प्लांट्स वेयर यू फाइंड देम, डू नॉट पिक वाइल्ड फ्लावर्स. हमें जैसे भी प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स को हमें पिक प्लक नहीं करना चाहिए, ठीक है. डू नॉट हार्म द एग्स यंग वंस ऑफ एनिमल्स. छोटे एनिमल्स को या उनके एग्स को हमें हार्म नहीं करना चाहिए. कीप टू द पाथ मीट फॉर वॉकिंग. उस पाथ पे चलिए जो चलने के लिए बना है. नेवर स्टार्ट अ फायर. ऑलवेज टेक लिटर होम. ठीक है, अपना जो जो भी गंदगी है उसे साथ लेके जाइए. चाहे आप चिप्स खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो आप पैकेट वहाँ नहीं फेंकेंगे. सो हियर बी 7 लाइफ स्किल्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो हैं आपको इनके बारे में ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. आई नो ये लेंथी रहते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ाए जाते. जैसे कि नेम सजेस्ट, लाइफ स्किल्स ये आपके लाइफ में काम आएंगी, आपका समझना बहुत ज़रूरी है. वैल्यू बेस्ड ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन आप में वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग देगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं. लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी कोई बर्डनफुल नहीं है. आप सिर्फ इसे अंडरस्टैंड करिए. सो हेयर इज आवर लाइफ स्किल्स. व्हाट वुड यू डू इफ यू सी सम चिल्ड्रन टीजिंग एनिमल्स इन द जू. हेयर इज द आंसर. क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप क्या करेंगे अगर कुछ बच्चों को आप एनिमल्स को टीज करना, छेड़ते हुए देखेंगे. आई वुड ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. हमें मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा कि हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए. वट प्रिकॉशंस शुड द विजिटर्स टेक वाइल मूविंग अराउंड द जू. क्या प्रिकॉशन, किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए विजिटर्स को या ह्यूमन बींग्स को जब वो जू में जाते हैं. ये हमने पोम में पढ़ा है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या रूल्स हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, किस चीज़ के लेके हमें केयरफुल रहना चाहिए. बताया है ना, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम वी रेड दैट टू व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल. सो हियर यू हैव टू राइट दिस एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ. ओके, या खुद से करेंगे. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. डिस्कस व्हाई वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स. हमें क्यों बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ जो है वो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही दयालु भाव से जो है हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए. बिकॉज वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स लाइक अस. वो हमारी तरह एक जीते जागते प्राणी हैं, उनमें हमारी तरह ही सांसें चल रही हैं. एंड दे हैव फीलिंग्स टू, और उनमें हमारी तरह ही फीलिंग्स हैं. सो वी शुड नॉट हार्म द बर्ड्स एंड एनिमल्स. और हमें जैसे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, इसी तरीके से उनमें भी फीलिंग्स हैं और उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं. दैट्स वाई हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए. सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर टूडे. इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर द प्रैक्टिस बुक टॉपिक. सो Till then, take care and thank you, students.